ओके अभी एक ये स्ट्रैटेजी देखते हैं जो हम लोग करेंसी में कर सकते हैं। इसका नाम है आयरन कॉन्ट्रोल, जिसमें हम ऊपर और नीचे दोनों के ऑप्शन बेचते हैं लेकिन प्रोटेक्शन के साथ। तो अभी ये एनएससी का ऑप्शन चेन खोला करेंसी का वीकली के लिए। आज जैसे 22 अक्टूबर है तो एक हफ्ता बाद का खोला हमें 27 अक्टूबर का। और इसमें अभी करंट प्राइस चल रहा है यूएसडी आईएनआर 74.76, तो इससे 25 पैसा ऊपर 25 पैसा नीचे का अपने सौदा करेंगे। और इसका ओपन इंटरेस्ट भी देखेंगे क्या है। तो अभी 74.76 के ऊपर में 75 का हमारा मन है करने का, तो वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट कॉल में सबसे ज़्यादा कहाँ पे ये दिख रहा है, यहाँ पे 30 लाख 26 लाख शेयर्स है यहाँ पे। ये लेवल एकदम ठीक है, तो ये वाला हम बेचेंगे 6 पैसा में और इसके 25 पैसे ऊपर वाला खरीद लेंगे 1 पैसा में, तो अपने को रफली 5 पैसा आया। और 74.76 के नीचे में 50 पैसा नीचे में 74.50 का हम वो करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट भी हाइएस्ट यहीं पे है 21 लाख शेयर्स का। तो 74.50 का बेचेंगे 4 पैसा में और 74.25 का खरीद लेंगे 1 पैसा में, तो 3 पैसा इधर आया। तो 3 पैसा इधर और इधर 5 पैसा 8 पैसा, सपोजिंग 7 पैसा ही पकड़ के चलो, तो 7 पैसा आया। 7 पैसा में मतलब 1,000 शेयर में मीन्स 70 रुपीज़। 70 रुपीज़ में अपने एग्जाम्पल ब्रोकरेज खाली 10 रुपीज़ अगर लगाते हैं तो करीब 40 रुपीज़ ब्रोकरेज निकल गया, तो 30 रुपीज़ बचा। तो 30 रुपीज़ बच रहा है क्लाइंट को और इसके लेवल के बीच में रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसमें अगर सपोजिंग लेवल को ब्रीच करता है तो हमको 25 पैसा लगेगा। 25 पैसा मतलब 250 रुपया, 250 रुपया में 30 रुपीज़ तो हमारा आया हुआ है। तो अभी कभी भी ज़्यादा हमारा पैसा इसमें लगेगा नहीं, क्योंकि मैक्सिमम 250 रुपीज़ ही लग सकता है। एंड इसमें मार्जिन भी बहुत कम है, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं मार्जिन एक लॉट में अगर हम करते हैं तो बहुत कम मार्जिन लगेगा। यहाँ पे बस डाला एनएससी करेंसी डेरिवेटिव ऑप्शन यूएसडी आईएनआर कॉल 75 का सेल करना है 1 लॉट एंड 75.25 का एक कॉल बाय करना है। मार्जिन हो गया 800 रुपीज़। एंड नीचे में हम पुट कर रहे हैं 74.50 का पुट बेच रहे हैं सेल, एंड 74.25 का पुट बाई कर रहे हैं। इसका हो जाएगा तो टोटल 1,300 रुपीज़ लग रहा है खाली मार्जिन एक लॉट में। तो क्लाइंट को बोल सकते हैं कि आपको 1,300 रुपीज़ का खाली मार्जिन लगता है और इसमें 30 रुपीज़ आता है, तो आपका रिटर्न इसमें अच्छा आ जाता है, क्योंकि 30 रुपीज़ डिवाइडेड बाय 1,300 ये हो गया कितना, एक सेकेंड कैलकुलेट अगर किया जाए कैलकुलेटर में तो इसका हो जा रहा है 1 सेकेंड, जैसे 30 डिवाइडेड बाय 1,300 कितना हुआ, 0.02 इंटू 4 हफ्ता होगा इंटू 12 महीना इंटू, इसको अगर परसेंटेज निकालते हैं तो अबाउट 110% होता है। मतलब कि इसका 1.1 इंटू समझो 100, तो ये हो गया 110% का रिटर्न आ गया साल का, अगर ये कंटिन्यूसली चलता रहा। सपोजिंग इसमें कुछ महीने सम मंथ्स में रॉन्ग भी होगा, लॉस भी लगेगा, तो इसका फिर भी अपने को 30% का रिटर्न कम से कम आ जाना चाहिए। तो क्लाइंट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सौदा कर सकता है। सेम थिंग ये निफ्टी में भी कर सकते हैं। अब निफ्टी का भी देखो, जैसे यहाँ पे अभी करंट निफ्टी का प्राइस चल रहा है 18,160, जैसे ये निफ्टी 18,161 है, तो इसमें अभी हम लोग देखते हैं कि इसके ऊपर नीचे कहाँ पे ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है। तो अभी ओपन इंटरेस्ट देखिए यहाँ पे दिखा रहा है ऑन द पुट साइड में
मैक्सिमम दिख रहा है इधर में 50,000 इधर में है, तो दिस इज सेफ। 17,800 का पुट है और 18,200 का पुट है, इसमें 86,000 है, तो थोड़ा सा सेफ जाने में अपने कर सकते हैं 17,900, जो कि 50,000 है। तो 17,900 का अपने बेचेंगे एट 52 रुपीज़, एंड बाई करेंगे 17,800 का एट 35। तो अपने को इसमें रफली 18 रुपया 19 रुपया अपने को आता है, 18-20 रुपया ये आ गया। और ऊपर में हम लोग करेंगे कॉल, जो कि हाईएस्ट इधर में है, 18,300 में है, तो 18,400 का ही करो, ज़्यादा सेफ रहेगा। 18,400 का बेचा 57 में, एंड 18,500 का हमने खरीद लिया 35 में, तो इधर 22 रुपया, उधर में 18 रुपया, टोटल 40 रुपया आ गया हम लोग के पास में। तो हमारा इनफ्लो 40 रुपीज़ है, और लगेगा तो हमारे को खाली 60 रुपीज़ लग सकता है। तो इसमें ब्रोकरेज भी कमती लगता है, एक लॉट में करीब अपने 60-70 रुपीज़ लगा सकते हैं, इवन 50 रुपीज़ भी लगा सकते हैं। तो 50 × 4 200 रुपया लगा, और क्लाइंट को कितना आया, 40 × 50 2,000 रुपया। ठीक है, तो 2,000 माइनस 200 मतलब 1,800 रुपया आता है। और कभी भी अगर लॉस भी लगा तो मैक्सिमम कितना लगेगा, 5,000 माइनस 1,800, विच इज 3,200। तो ये भी अपने आराम से कर सकते हैं, और निफ्टी का मार्जिन भी इधर में अपने देख सकते हैं, कम ही रहेगा, स्प्रेड स्ट्रैटेजीज में बहुत कम हो जाता है। तो NSE FO यहाँ पे लिखा, निफ्टी डाला, यहाँ पे मार्जिन देते हैं, जैसे निफ्टी का 18,400 का कॉल सेल, और 18,500 का कॉल बाय, मार्जिन खाली 22,000। एंड वही हम नीचे में इसका अभी पुट देखते हैं, और 17,900 का पुट सेल, और 17,800 का पुट बाय, 40,000 खाली लगेगा। 40,000 में आपके प्रॉफिट आ रहा है 1,800 रुपया, मतलब 1,800 डिवाइड बाय 40,000, ये × 4 × 12 × 100, 200% हो गया रिटर्न ऑन दी इन्वेस्टमेंट। इसमें कुछ कम भी हो जाएगा, कहीं पे लॉस भी लगेगा, ये सब भी होगा, तो भी 30% 40% रिटर्न आ सकता है। तो बेस्ट है, क्लाइंट लोग को ये स्ट्रैटेजीज अपने कर सकते हैं। IAP का शेयर मार्जिन में चला गया, IAP का रिटर्न आया 17-18%, इसका आ गया 18-19%, सपोजिंग 20%, तो क्लाइंट को एक साल में 30-40% का रिटर्न अपने करवा दिया है, विच इज फैंटास्टिक। ये स्ट्रैटेजी अपने लोग कर सकते हैं।